नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जो रियासत है बहुत ही बड़ी रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, ऑन द रोड हूँ। और यहाँ पर एक बोर्ड पड़ा है जो मेन रोड है, यहाँ से तकरीबन अभी 2 किलोमीटर है तो हम मेन रोड पर पहुँचेंगे। और मेन रोड से जो मध्य प्रदेश है वो तकरीबन यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, हरियाली के बीच में से ये रोड गई हुई है। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और मेन रोड पर पहुँचते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और उसको विज़िट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ी सी आगे बढ़े बहुत ही प्यारा लोकेशन आ गया है जहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से दिखाई देती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इस तरफ की तरफ देखेंगे तो सामने आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश। और ये हमें बाय रोड जाना है तो यहाँ से हमें ये दूर पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं ओरछा मध्य प्रदेश के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मंदिर, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये वो मंदिर हैं। तो यहाँ से ये पूरा लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम जा रहे हैं बाय रोड तो हमें यहाँ से ये दूरी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आगे और अब पहुँचते हैं मध्य प्रदेश ओरछा को और विज़िट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रियासत ये रही है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम ओरछा मध्य प्रदेश और इसका ये पहला गेट पड़ा है। यहाँ से एंट्री में 2 गेट पड़ते हैं, एक आगे है, इसके पीछे आप देख सकते हैं चतुर्भुज टेम्पल दिखाई दे रहा है जिसको लक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूरा ओरछा का मार्केट है। सबसे पहले हम इस एपिसोड में आपको ओरछा का लोकल मार्केट घुमाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा मार्केट है। तो यहाँ पर ये स्टैंड है और ये जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से आप जा सकते हैं राजा महल के लिए और जहांगीर महल के लिए। और सामने राम राजा मंदिर है जो आप सामने देख रहे हैं। और इस तरफ जो रोड जाती है ये बेतवा रिवर के लिए जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत नगरी है ये ओरछा। और यहां पर आप देख सकते हैं राम राजा मंदिर के सामने काफ़ी सारी दुकानें हैं जो प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं और सीधे आप जा सकते हैं राम राजा मंदिर के अंदर। तो चलिए चलते हैं, अंदर का जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ और अंदर काफ़ी अच्छा मार्केट सजता है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर मार्केट है। और ये मंदिर के अंदर गेट के अंदर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें सस्ती हैं अंदर ही अंदर, और वहीं से अंदर से रास्ता है फूल बाग के लिए, तो फूल बाग को भी हम विज़िट करेंगे। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसको हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद के लिए बहुत सारी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई हैं और बाकी जो लोकल लोग हैं यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल लगाते हैं। और सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये मंदिर के लिए जाता है, अगर आपको मंदिर में दर्शन करने हैं तो यहाँ से होते हुए ही आपको मंदिर के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर हम पीछे की तरफ जाते हैं और आपको मार्केट के और हिस्से दिखाते हैं जो कि मंदिर कैंपस के अंदर ही बना हुआ पूरा मार्केट है। और ये लोकल लोग जो ओरछा के हैं वही इस मार्केट को सजाते हैं। तो यहाँ से हम और पीछे की तरफ आ चुके हैं, मंदिर के पीछे हम हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दोनों खम्भे जो हैं इनको बोला जाता है सावन भादो। और यहाँ की एक कहावत है कि ये मानसून सीज़न में दोनों खम्भे आपस में मिल जाते हैं। बाकी जो इसका इतिहास है, क्यों इसको बनाया गया था, तो इसको बनवाया गया था जो इसकी ठंडक है ज़मीन के अंदर के बने हुए कमरों तक पहुँच सके। इसके ऊपर छेद दिए गए हैं जिससे कि जो हवा है वो ठंडी होके नीचे के बेसमेंट में बने हुए कमरों तक पहुंच सके, तो वहां पर राजा रानी विश्राम करते थे।
और यहाँ से हम और अंदर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल मार्केट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये लोकल मार्केट जो है मंदिर के पूरे कैंपस में काफ़ी बड़े एरिए में सजाया जाता है। इसके अलावा जब आप बेतवा रिवर की तरफ बढ़ते हैं तब भी आपको काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पर शॉप लगाई गई हैं अलग अलग चीज़ों की, और सभी ऐतिहासिक चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि मूर्ति वगैरह, तो यहाँ पर वो भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो सामान हैं लोकल लोगों के लिए वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं जो आपसे बताया था मैंने कि अभी हम घूमेंगे थोड़ी देर के बाद यहाँ का फूल बाग, तो पीछे की तरफ इसी जो मार्केट है इसके पीछे फूल बाग है। सामने आप चतुर्भुज टेंपल देख सकते हैं और चतुर्भुज टेंपल के पास ही राम मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर इसका भी एक इतिहास रहा है। तो यहाँ से अब हम जाते हैं फूल बाग के अंदर और फूल बाग के अंदर आपको दिखाते हैं फूल बाग अंदर से किस तरीके से बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल बाग इस जगह को बोला जाता है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक बगीचा है। सामने जो है एक सिंहासन लगा हुआ है, एक सिंहासन जो कि राजा रानी के लिए लगाया गया होगा उस समय, वो यहाँ पर आके विश्राम करते होंगे। और सावन भादों के दोनों खम्भे आप पीछे देख सकते हैं, इसके पास जो कमरे बने हैं इससे हवा खींच के आती थी, ठंडी हवा को ये खींचता था और इससे कमरे जो हैं ठंडे बने रहते थे। चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिया गया है। इसके दोनों तरफ से एंट्रेंस है, मंदिर के पीछे से भी और यहाँ सामने से भी आ सकते हैं। और ये कुछ सिंहासन बना हुआ है, कमरे बने हुए हैं, महल बना हुआ है, यहाँ पर जो राजा रानी थे उस समय बैठा करते होंगे। और इसके अलावा इसके नीचे एक चांद कटोरा लगा हुआ है जिसके अंदर इत्र वगैरह उस समय भरा जाता था और इसकी खुशबू से ये जो बाग है वो महकता था। और यहाँ पर विश्राम करते थे राजा रानी और मंदिर में दर्शन करते थे। तो यहाँ पर ये है चांद कटोरा और ये यहाँ पर बड़ा मशहूर है, एक ही पत्थर से इसको तराशा गया है, यानी कि इसमें पत्थरों का पीस नहीं लिया गया, पीस के जोड़ के नहीं बनाया गया ये कटोरा, इस सिंगल पत्थर को काट के तराशा गया है। ऊपर डिज़ाइन देख सकते हैं, उस समय इसमें खुशबूदार इत्र भरे जाते थे जिससे कि जब सिंहासन पे राजा बैठते थे तो उनको खुशबू आए और इस बगीचे में पूरी खुशबू फैल जाए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर